नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, आजकल सभी स्मार्टफोन 4G सपोर्ट वाले आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नेटवर्क की समस्या से परेशान हैं। शहरों में तो 4G नेटवर्क की स्थिति ठीक है, लेकिन गांव में अभी भी बहुत खराब है। चाहे नेटवर्क 3G हो या 4G, यदि इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4G नेटवर्क पर स्पीड का ना मिलना बड़ा गुस्सा दिलाता है, क्योंकि कई बार जरूरी काम भी इसकी वजह से ठप जाता है। तो आइए आज हम एंड्रॉइड स्मार्टफोन में 4G नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने का तरीका बताते हैं। अगर आपके इलाके में कॉपर केबल की जगह फाइबर केबल का इस्तेमाल हुआ है तो नेटवर्क अच्छा रहेगा और स्पीड भी मिलेगी। जियो की स्पीड एयरटेल के मुकाबले में इसीलिए अच्छी है। अगर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है तो सबसे पहले फोन की सेटिंग्स चेक करें। फोन की सेटिंग में नेटवर्क सेटिंग में जाएं और प्रिफर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क को 4G या LTE सिलेक्ट करें। इसके अलावा नेटवर्क सेटिंग्स में एक्सेस पॉइंट नेटवर्क APN की सेटिंग भी चेक करें, क्योंकि स्पीड के लिए सही APN का होना जरूरी है। APN सेटिंग के मेनू में जाकर सेटिंग को डिफॉल्ट रूप से सेट करें। इसके अलावा फोन में मौजूद सोशल मीडिया पर नजर रखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे ऐप स्पीड कम कर देते हैं और डाटा भी ज्यादा खपत करते हैं। इनकी सेटिंग्स में जाकर ऑटो प्ले वीडियो को बंद कर दें। साथ ही फोन के ब्राउजर को डाटा सेव मोड में सेट करें। तो दोस्तों, इन तरीकों को जरूर आजमाएं और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको कैसे लगी हमारी ये ट्रिक। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।